इसी बात पे मेरी उनसे कहा सुनी हो गई, मैं अड़ गया। मैंने कहा नहीं, ये तो ऐसा होगा। मेरे मन में ये भी था कि मैंने भी दुनिया देखी है। उन्होंने कुछ देर के बाद कहा, तुम कितने दूर तक पढ़े हो? मैंने कहा बीटेक हूँ। चुप रहो, मैं पीएचडी हूँ। बस मामला वही खत्म हो गया। मैं चुपचाप था, ठीक। आज थोड़ी समय की कमी थी, मैं साहब के साथ, अपने बड़े साहब के साथ था। जब मैंने उनको बताया कि साहब, हाफिज साहब ने बुलाया है, और खासियत ये है कि वहाँ बहुत पढ़ी लिखी हमारी जो ख्वातीनें हैं वो होंगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाइए, क्योंकि देखिए अगर आप एक मर्द को बताते हैं तो वो बात एक व्यक्ति तक कह जाती है, अगर आप एक ख्वातीन को, एक महिला को बताते हैं तो उसके पूरे परिवार, उसके पूरे कुनबे में जाता है। दूध में वो ताकत है कि उसको बड़े बड़े ओहदे तक पहुँचा सकता है। अगर उसी में थोड़ी कमी रह गई तो उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ता है। तो आप जड़ को अगर मजबूत करेंगे तो पौधा ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। इसी सोच के साथ मैं आपके पास आया, और जैसा साहब ने कहा कि ओल्ड इज गोल्ड, तो जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई तो तरह तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन जब मैं आया तो यही सोच के आया कि ओल्ड इज गोल्ड। और आज एक महीने हो गए मुझे, मुझे रोज लग रहा है कि उस गोल्ड में चमक और बढ़ती जा रही है। अमन का पैगाम देने आया हूँ। फिर आप लोगों को सुन के मुझे लगा, खुसरो की एक बात मुझे याद आई कि लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मैं आपको अमन की क्या पैगाम दूं, जब पैगाम देने वाले और सुनने वाले इतने ओहदेदार हैं। ओहदेदार कुर्सी के हिसाब से नहीं, दिल और दिमाग के हिसाब से। देखिए कई बार ये आप लोगों को भी, हमको भी ये द्वंद होता है, डिस्कशन होता है कि दीन और दुनियादारी में क्या रिलेशन है, क्यों हम दीनी तालीम लेते हैं। तो मेरा एक मानना है कि देखिए, किसी ने किसी यूनिवर्सिटी से, किसी जमाने में, आज के जमाने में जो बीटेक है उस जमाने में कोई डिग्री होगी, उसकी आज कोई कदर नहीं है। लेकिन अगर कोई मुफ्ती किसी जमाने में थे तो आज भी उनका सर्टिफिकेट वैलिड है। तो यही दीन और दुनियादारी में फर्क है कि दीन चलता रहेगा, दुनियादारी बदलती रहेगी। इसीलिए दीन को जानने वालों को दुनियादारी के बारे में बताने के लिए हम आए कि देखिए, इस बदलती दुनिया में आपको दीन को बुलंद होकर अमन की पैगाम देनी होगी। हम बंद कमरे में पैगाम देते हैं, वो खुली सड़कों पर आवारागर्दी करते हैं। हमको भी उनका जवाब वहीं जाके देना होगा। मतलब पुलिस अपने तरीके से जवाब देती है, आप सब वाकिफ हैं, और पक्का देगी। लेकिन जो हमारे अमन को चाहने वाले हैं, उनको भी इस चार दीवारी से बाहर निकल के, जब वो सड़कों पे हैं, जब वो मोहल्लों में हैं, जब वो आंगन में बैठते हैं, तो इस पर जम के बात करनी चाहिए। देखिए, जो डर गया सो मर गया। अगर आप अमन की चाहत रखते हैं और उसके बाद चुप रह जाते हैं तो वो उससे बड़ा गुनाह है। जिस चीज़ की हम चाहत रखते हैं और हमें भरोसा है कि मैं सही हूँ, तो मैं आऊँगा, अपनी बात जरूर कहूँगा, क्योंकि मुझे ये पूरा भरोसा है कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर मेरा अपना भरोसा है, और उसकी इजाज़त से बोलता हूँ। किसी और की इजाज़त से नहीं बोलूँगा, किसी और के मतलब के लिए नहीं बोलूँगा। क्योंकि आप चार मीनार को देखिए, मैं देखता हूँ, मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है, बड़ा खूबसूरत इमारत है। लोग इमारत को देख के चले जाते हैं, किसी ने उसे के नीचे की जमीन देखी है क्या? चार मीनार के नीचे की जमीन और उससे किसी दूर आप किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, उसकी जमीन में कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं है। उसके ऊपर के आसमान को देखिए, उसमें कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं है। तो हम जिस भी कायदे कानून को मानते हैं, वो उस बिल्डिंग की तरह है जिसमें मुझे खूबसूरती दिखती है, जिसमें मुझे एक अक्स दिखता है उसका, लेकिन उसका बेस क्या है और उसका इरादा क्या है? अगर आसमान की ऊंचाई ना हो, अगर आप ऊपर से आसमान कम कर दें तो कोई बिल्डिंग खड़ी ना होगी, हो सकता है क्या? अगर जमीन ना हो तो उस पर कोई बिल्डिंग खड़ी हो सकती है क्या? हमको इस चीज़ को समझना होगा। अगर हम खड़े हैं तो चार पाँच छः पाए होंगे, दस पाए होंगे, मैं तो कहता हूँ जितना पाया हो उतना मजबूती होगी। पायों से क्यों डरना है? पाए हमको मजबूती देते हैं। हमारे जो अलग अलग ख्याल हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि डिफर करो, आर्ग्यूमेंट करो। एक बड़ी बड़ी किताब है, अमर्त्य सेन साहब ने लिखी है, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। उसमें एक बड़ी खास बात है, एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुआ करते थे राजा राम मोहन राय,
उनसे किसी ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कब होगी, तो उनका जवाब था कि जब मेरी मैयत गुजर रही होगी, लोग मेरे बारे में आर्गुमेंट करेंगे, बोलेंगे कि वो ऐसा था और मैं उलट के उसको जवाब न दे सकूंगा, वो मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे होगी। ये इंडियन सेंटिमेंट है, ये हमारा कल्चर है, हम तो आर्गुमेंट करने को पसंद करते हैं। अभी क्या है, आपने देखा साहब ने कहा कि जब प्रोफेट साहब थे तो उन्होंने कुछ किया, उस पर साहबा ने कुछ पूछा, फिर उन्होंने उसका जवाब दिया, इसी से तो सिस्टम बना है। तो आर्गुमेंट करना तो सबसे जरूरी चीज है। अगर आप जानवरों को कोई आर्गुमेंट नहीं होता, कभी सुना है आर्गुमेंट करते हुए, घोड़ा अपने मालिक से कहे मैं उत्तर क्यों जाऊं, मैं दक्षिण जाना चाहता, कभी नहीं करता, इसीलिए वो जानवर है। लेकिन ये भी ख्याल रखना कि आर्गुमेंट का क्या हद होना, साहब ने एक अच्छी बात कही, हर चीज का एक हद होता है, एक ही चीज का हद नहीं है उसका। क्या बात है, बाकी हम जितने हैं सबकी एक हद है, उस हद का तो हमको पालन करना, उस हद को हमको फॉलो करना, और ये चीज अगर हम लोग समझ लें तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, हमारी पड़ोसी की जिंदगी आसान हो जाएगी, और जो हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप सोचिए आप यहाँ से निकलिएगा बाहर, यहाँ आप हमको सुन रहे हैं, आप यहाँ मुफ्ती साहब को, अपने हाफिज साहब को सुन रहे हैं, अपने जो आपके बड़े टीचर्स हैं उनको सुनते हैं, लेकिन दुनिया तो आपकी सुनती है, और आपकी जो सुनती है वही सबसे ज़्यादा सड़कों पर रहती है। यहाँ पर जिनको सुनने वाले आए हैं वो कभी सड़क पर नहीं जाते, इसीलिए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आप जहाँ भी रहें अमन की आवाज बुलंद करें, और इसमें कोई शक शुभा न रखें, हम किसी को खुश करने के लिए नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी के लिए कर रहे हैं। हमारे जो जहन में जो है बात, उसको बाहर रखना, ईमानदारी से रखना, वो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अमन कोई एक छोटी चीज नहीं है, अमन ये सब कुछ है। आपने भरपेट खाना खाया, किसी ने आके दो चमाटा लगाया, आपका खाना खराब हो गया, हुआ ना, बड़े अच्छे बिस्तर पर सोए हैं, किसी ने इसे उल्टा दिया, आपका अमन खराब हो गया, तो आप सोचिए अमन कितनी बड़ी चीज है। और एक वाक्य मैं अपनी बताता हूँ, कभी कभी शक्ति की जरूरत होती है, और जितनी शक्ति आप कर सकती हैं उतनी शक्ति शायद हम लोग भी करने में चार बार सोचते हैं। मैं छोटा 10-11 साल का बच्चा रहूंगा, नादान तो नहीं, शैतान जरूर था, एक टीचर हमारे पास आते थे, उनकी बड़ी ठीक हुआ करती थी, ये मैं पीछे बैठ के उसको ऐसे ऐसे घोड़े की लगाम की तरह खींचता था। एक दो दिन तो उन्होंने सुना, मैं बड़े घर का जो जमीन जिसकी थी उसका मैं बेटा था, तो मेरे मन में ये भी था कि तुम पढ़ाते तो क्या हुआ। आखिर उनकी हद, मैंने अपनी हद पार कर दी, ये शिकायत मेरी वालिदा के पास गई बिना किसी सुनवाई के। वो गर्मी में पंखा झालते ना, पंखे का पिछला डंडा होता, करीब 20-25 डंडे मुझे पड़े, और बिना किसी आर्गुमेंट का मैंने ये भी नहीं समझा कि ये डंडे आखिर किस गुनाह की सजा है। फिर मैंने खुद ही पता लगाया कि आज वो टीचर आके कुछ तो बोल गया है। उसके बाद से जब भी मैं कोई शैतानी सोचता था मुझे वो डंडा याद आता था, और सबको लगभग पड़ा होगा, मैं नहीं समझता किसी को नहीं पड़ा होगा। लेकिन डंडे मारने का राइट आपके पास यूनिवर्सल है, आपके डंडे को कोई क्वेश्चन नहीं करता। अगर अभी भी मेरे घर से फोन आ जाए और मेरी माँ की माँ नानी, मैं किसी भी मीटिंग में रहूँ अगर उनका फोन है तो एक बार उठा के मैं जरूर बोलूँगा कि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, थोड़ी देर बात करता हूँ, और बड़े से बड़े अहदेदार का फोन हो स्विच ऑफ करके मैं रख देता हूँ, ठीक है, तो बाद में बोलेंगे सर सॉरी आई एम बिजी करवाता मार्टर टू नाम, बट आई कैन नॉट टेक दिस लिबर्टी विद माय ग्रैंडमदर, क्योंकि मैं उनके हाथ में पला बड़ा हूँ, वो मेरी जिंदगी है। इसी तरह से आपकी भी जिंदगी है जो सड़कों पर घूमती है, आप घर में रहती हैं, आप वाटर टैंक हैं, टेप सारे जगह खुले हुए हैं, आप उन पर कंट्रोल करेंगी, उनको सही रास्ता दिखाएंगी। देखिए आप उनको चाहें तो चांद पर भेज सकती हैं, उनको चांद पर भेजना या कहीं और भेजना अच्छी। فقنا عذاب النار جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين
مولا الحم فرما کرم فرما واسطہ تیرے بیوے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اجتماع کو قبول فرما, اس کے مقاصد کو پورا فرما. پروردگار واسطہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, تیرے حبیب پاک نے جو ہمیں عقیدہ دیا, صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ, پروردگار وہ ہمارے سینوں میں بسا دے اور ان پر مارا. مولا اس شہر میں امن و امان عطا فرما, ہماری حکومت عطا فرما. مولا امن و امان قائم کرنے والے کروانے والوں کی تو حفاظت فرما. پروردگار عالم واسطہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. الحمد لله.